दोस्तों आज हम लोग जिस प्लान के रिगार्डिंग बात करेंगे उसका साइज है 18 फीट x 25 फीट। ये 50 गज में बना हुआ है। इसका स्क्वायर फीट है 450 स्क्वायर फीट और इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 4.5 लाख पर यूनिट। फ्रंट साइड में रोड है। फ्रंट का डायमेंशन है 18 फीट, इस साइड का डायमेंशन 25 फीट, बैक का डायमेंशन 18 फीट और इस साइड का डायमेंशन 25 फीट। दोस्तों ये टोटल ग्राउंड टू टॉप फ्लोर का प्लान है। इस प्लान में हम लोग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान के डायमेंशन से। ये फ्रंट साइड में रोड है। यहाँ मेन गेट दिया हुआ है। इस मेन गेट से जब इन करेंगे तो यहाँ स्टेयर एरिया आ जाएगा। इसका डायमेंशन है 12 फीट 5 इंच x 6 फीट। इस साइड का डायमेंशन 12 फीट 5 इंच और इस साइड का डायमेंशन 6 फीट। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया 3 फीट 3 इंच का, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया 3 फीट 3 इंच का। ये डोर है अंदर जाने के लिए और यहाँ पे एक विंडो दिया गया है, एक विंडो इस साइड में दिया गया है। इस स्टेयर में यहाँ से अप होंगे, यहाँ फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा 8 फीट हाइट पे। इसी लैंडिंग के नीचे में यहाँ मेन गेट दिया हुआ है। इसके बाद और अप होकर के हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। इस स्टेयर एरिया से यहाँ से जब इन करेंगे तो सबसे पहले ये डाइनिंग स्पेस आ जाएगा। इसका डायमेंशन है इस साइड का 6 फीट 11 इंच और इस साइड का 9 फीट 9 इंच। इस डाइनिंग स्पेस में यहाँ एक विंडो दिया गया है। यहाँ पर मैंने एक कॉमन बाथरूम दिया है। इसका डायमेंशन है 4 फीट x 6 फीट, इस साइड का डायमेंशन 6 फीट और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट। इस बाथरूम में यहाँ एक वेंटिलेशन दिया गया है। ये डोर है इस बाथरूम का। हम लोग किचन की बात करें तो यहाँ मैंने किचन दिया है। इसका डायमेंशन है 5 फीट x 7 फीट, इस साइड का डायमेंशन 7 फीट और इस साइड का डायमेंशन 5 फीट। इस किचन में एक विंडो इस साइड में दिया गया है और यहाँ पे किचन का डोर है। इस डाइनिंग स्पेस से इस साइड आएंगे तो यहाँ पे मैंने एक रूम दिया है जिसका डायमेंशन है 9 फीट 4 इंच x 7 फीट, इस साइड का डायमेंशन 7 फीट और इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 4 इंच। इस रूम में एक विंडो यहाँ पे दिया गया है। ये डोर है इस रूम का। इस डाइनिंग स्पेस से हम लोग इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर मैंने एक और रूम दिया है जिसका डायमेंशन है 9 फीट x 10 फीट 9 इंच, इस साइड का डायमेंशन 10 फीट 9 इंच और इस साइड का डायमेंशन 9 फीट। इस रूम में एक विंडो इस साइड में दिया गया है और एक विंडो फ्रंट साइड में दिया गया है। ये डोर है इस रूम का। हम लोग वॉल की बात करें तो इस प्लान में सभी वॉल 5 इंच के दिए गए हैं। ये 5 इंच है। ये था ग्राउंड फ्लोर का प्लान। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर में भी सेम डायमेंशन रहेगा। ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक सारा डायमेंशन सेम रहेगा। सभी वॉल सेम जगह में रहेंगे, सभी रूम सेम जगह में रहेंगे। इस 18 फीट x 25 फीट के छोटे से प्लान में आपको मिलता है 2 रूम, एक रूम यहाँ पे और एक रूम यहाँ पे। किचन मिल जाता है, ये डाइनिंग स्पेस मिलता है और ये कॉमन बाथरूम मिलता है। सेपरेट स्टेयर भी मिलता है इसमें आपको। दोस्तों ये था हमारा 18 फीट x 25 फीट का हाउस प्लान। उम्मीद है आपको ये प्लान भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।